अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप भी कश्मीर जाकर इस तरह से स्लो मोशन में बर्फ को उछालना चाह रहे हैं? और अगर आपके बीवी बच्चे भी आपको तंग कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि गर्मियों के छुट्टियां आने घुमाने लेके चलो, स्विट्जरलैंड लेकर चलो, तो परेशान मत होइए। ना ही ये कश्मीर का नजारा है, ना ही स्विट्जरलैंड का नजारा है, यह है तेलंगाना के मारपल्ली का नजारा जो कि विकाराबाद में आता है। गर्मी का मौसम है, अचानक से शहर हैदराबाद के अंदर बारिश शुरू हो गई। आप लोग यहां पर देख सकते हैं परिंदे उड़कर अपने घर को जा रहे हैं। बारिश अल्लाह की तरफ से रहमत होती है और अचानक से शहर हैदराबाद के अंदर अल्लाह की रहमत नाजिल होना शुरू हो गई। और यही नहीं, शहर हैदराबाद के अंदर मौजूद ये हुसैन सागर के सामने का मंजर है। अभी रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही मछलियां तो ईद मनाने लगी। लेकिन शहर हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूरी पर मारपल्ली है, वहां पर तो अजीब और गरीब वाकया पेश आया। जहां हैदराबाद के अंदर बारिश गिर रही थी, वहीं दूसरी जनी मारपल्ली के अंदर आप लोग यहां पर देख सकते हैं सीधा सीधा ओले गिर रहे थे। खाली होले गिरे चावी इंटा पता अब मारपल्ली के अंदर इतनी बर्फ गिरी, अब मारपल्ली वाले ये बर्फ को लेकर क्या करेंगे? मारपल्ली वाले एक बर्फ की फैक्ट्री खोलेंगे और यही नहीं, आइसक्रीम की फैक्ट्रियां भी मारपल्ली में ही सेटअप होंगी ऐसा लग रहा है। और पूरे तेलंगाना के लिए ये वार्निंग जारी की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4-5 दिन तक पानी पड़ सकता है। मारपल्ली वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश है, नया बिजनेस सेटअप हो चुका है, ये बर्फ का कारोबार वो लोग कर सकते हैं। ये अभी अभी कुछ देर पहले के वीडियो से, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, उसके बाद में काफी सारे लोग सवाल उठाने लगे और पूछने लगे, क्या बादल अपना रास्ता तो नहीं भटक गए? कश्मीर जाने का तेलंगाना तो नहीं आ गए? ये तो अल्लाह की रहमत है, वो जिस पर चाहती है उस पर बरसती है। और यही नहीं, और अल्लाह का निजाम भी बिल्कुल प्रिसाइज होता है, यानी कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। किस तरह से लोग ओले बेच रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि इतनी बर्फ बेचने पर कितने पैसे आएंगे, ये तो बहुत ही कम बर्फ है, इतनी बर्फ तो सिर्फ इनके घर में जमा हुई, भाई का आप खेत देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। भाई के खेत में तो इतनी बर्फ आ चुकी है, ये कैलकुलेशन देखने के बाद अडानी और अंबानी भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन तमाम वीडियोस के बीच में टोली चौकी के मच्छर काफी ज्यादा खुश हैं। सोच कर देखिए, अगर ये ओले टोली चौकी में गिरते तो क्या होता, तमाम के तमाम मच्छर मारे जाते। और जहां तक मारपल्ली वालों की बात है, वो तो गर्मियों में ही सर्दी के मजे ले रहे हैं। लोग इस तरह से बकेटों को रखकर ओले पकड़कर खा रहे थे, कि आपने भी इस तरह की हरकत की है या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और कश्मीर वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। तो आप लोग क्या राय, इससे मुताल्लिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।